फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के बाद मेटा का एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड मैदान में आ चुका है, जो कि डायरेक्ट ट्विटर को कम्पीट करने के लिए बनाया गया है। अब इलॉन मस्क, जिन्होंने ट्विटर को 1,37,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, वो सोच रहे होंगे पैसा बर्बाद। तो इंस्टाग्राम का नया एप्लीकेशन थ्रेड सच में ट्विटर को कम्पीट कर पाएगा, आगे वीडियो में देखते हैं। पर सबसे पहले हम थ्रेड के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, थ्रेड एक ट्विटर की तरह एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना जरूरी है। इंस्टाग्राम अकाउंट की मदद से ही आपका थ्रेड अकाउंट बनेगा। अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप थ्रेड पर साइन अप कर पाएंगे। फिलहाल मैंने इसे चेक किया था तो वेब पर काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपको इसे एप्लीकेशन से ही यूज करना पड़ेगा। आप थ्रेड ऐप डाउनलोड करके जैसे ही इंस्टाग्राम अकाउंट की मदद से साइन अप करेंगे, आपका सारा डेटा फेच हो जाएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, यूजर नेम, आपका बायो, सब कुछ थ्रेड ऐप में आ जाएगा, पर आपके फॉलोअर जीरो ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पर आपके मिलियंस फॉलोअर हैं तो थ्रेड पर भी आपको वही के वही मिलियंस फॉलोअर मिल जाएंगे। आपको यहाँ जीरो से ही शुरुआत करना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी प्रोफाइल शेयर करके अपने इंस्टाग्राम यूजर को थ्रेड पर ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर अगर आपका वेरीफाइड अकाउंट है, भले ही आपका रियल वेरीफाइड हो या आपने पैसे देकर खरीदा हो, आपका अकाउंट यहाँ भी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल काम नहीं करना पड़ेगा, आपको अलग से 700 रुपए फिर से देना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो इंस्टाग्राम पर आप जिन को फॉलो कर रहे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा अकाउंट दिख रहा होगा, फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर इसके उपयोग या ये काम कैसा करता है उसकी बात करें तो ये ट्विटर की तरह ही काम करेगा। जैसे आप ट्विटर पर ट्वीट करते थे, यहाँ पर आपको थ्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको किसी भी थ्रेड के नीचे ट्विटर के जैसे लाइक, कमेंट, शेयर, रीट्वीट का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी इसके इंटरफेस की बात करें तो ये मुझे ठीक ही लगा है। बाकी आने वाले टाइम में इसमें और भी सुधार और भी फीचर ऐड किए जाएंगे। बाकी इंटरफेस और डिजाइन की बात करें तो ट्विटर और इंस्टाग्राम की थोड़ी थोड़ी झलक आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस ऐप पर आप टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, लिंक शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लिंक शेयर नहीं कर पाते थे, पर यहाँ पर आप कोई भी लिंक आराम से शेयर कर सकेंगे। थ्रेड ऐप पर आप 5 मिनट तक के वीडियो, एक बार में 10 फोटो और 500 कैरेक्टर तक का टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो थ्रेड को यूज करने के लिए। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर कि थ्रेड सच में ट्विटर को कम्पीट कर पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम के यूजर और ट्विटर के यूजर में बहुत फर्क है। ट्विटर पर आपको फिल्टर वाली फोटो या इस टाइप के वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर देखने को मिल भी जाएंगे तो वहाँ के यूजर ये सब चीज देखना पसंद नहीं करते हैं, तभी वो ट्विटर यूज करते, नहीं तो वो भी इंस्टाग्राम ही यूज करते। तो ये बिल्कुल अलग फील्ड है, दोनों के यूजर एक दूसरे से मेल बिल्कुल नहीं खाते हैं। हाँ, शुरुआत में इंस्टाग्राम अपने इंस्टाग्राम यूजर की मदद से थ्रेड पर यूजर तो काफी ज्यादा ले आएगा, पर वे यूजर थ्रेड को लंबे समय तक यूज करेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अकाउंट तो ट्विटर पर भी सभी लोगों के रहते हैं पर यूज कोई नहीं करता है, क्योंकि जिन लोगों को इंफॉर्मेशन से ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है वो यूज करते हैं। और ट्विटर यूजर को थ्रेड पर ट्रांसफर करना बहुत कठिन है, क्योंकि ट्विटर पर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ट्विटर पर काफी समय देकर काफी मेहनत कर अपने फॉलोअर बनाए हैं। और ट्विटर पर फॉलोअर बनाना बहुत कठिन है अगर हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक से कंपेयर करें तो। तो देखते हैं आने वाले समय में ट्विटर यूजर थ्रेड पर ट्रांसफर होते हैं या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से ट्विटर के सब्स्टिट्यूट के लिए थ्रेड को यूज तो जरूर करेंगे, सब इस पे साइन अप भी करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है तो इसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, पर प्राइमरी रूप से इसे यूज किया जाएगा या नहीं ये देखना होगा। बाकी आने वाले समय में देखना होगा थ्रेड का क्या हाल होता है, क्या ये ट्विटर को हरा पाता है, क्योंकि इसके जो मालिक है वो है मार्क जुकरबर्ग, जिनके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं और वे अपनी फील्ड में नंबर वन है। बाकी होने को तो दुनिया में बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि टिकटॉक, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, रेडिट, लिंक्डइन जैसे काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। बाकी जब यूजर की बात होती है तो मार्क जुकरबर्ग भैया से कोई आगे नहीं निकल पाता है। बाकी आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।